Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Techno Ruhez में आपका स्वागत है. आइए दोस्तों, इतने सारे फोन्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं एक के बाद एक. इतने कंफ्यूज हो रहे हम जिसकी कोई हद नहीं. स्पेशली बजट कैटेगरी में तो पूछो ही मत, मैं खुद कंफ्यूज हो गया. लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने 5 ऐसे कमाल के फोन्स यहां पर लेके आया हूं. अगर आपकी बजट 20,000 की रेंज की है, 15 से 20 के बीच में, तो ये 5 फोन्स मैं आपको यहां पर रेकमेंड करूंगा. ऑलराउंडर फोन से, बहुत ही बढ़िया फोन से. और मैंने यही सोचा हूं कि अगर आप 15,000 के ऊपर स्पेंड करते तो एटलीस्ट 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज होनी चाहिए. वैसे ही फोन्स मैंने यहां पर पिक किया हूं और इनमें कुछ ऑप्शनल भी होंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा. सबसे पहला जो फोन है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन है, और मैं आपको वैसे असेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगा कम से ज्यादा, तो ये है मोटो G60. 6GB रैम, 128GB स्टोरेज है, 17,000 में मिलता है. अभी भी दोस्तों ये फोन वैल्यू फॉर मनी है. ऑलराउंडर फोन है, बड़ी डिस्प्ले 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस, साथ में हाईर रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज की. सॉफ्टवेयर कमाल का है, स्टॉक है दोस्तों, और आपको थिंक शील्ड सिक्योरिटी वगैरह मिल जाती है. तो यहां पर कोई भी एड्स नहीं, कोई ब्लोटवेयर्स नहीं, एकदम क्लीन एक्सपीरियंस आपका होगा. कैमरा बढ़िया है, पीछे 108 मेगापिक्सल सेंसर है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी है. जब हमने अनबॉक्सिंग किया था उसमें सारी जानकारी दी थी, कैमरा मुझे अच्छा लगा था. बड़ी बैटरी है, 6000mAh की बैटरी है, 20W टर्बो चार्जर भी है. बैटरी भी बहुत अच्छी है और परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 732G ये चिपसेट बहुत ही कमाल की है. गेमिंग आपकी इसमें बहुत ही अच्छी होने वाली है. UMCP स्टोरेज है, आपको LPDDR4X रैम सपोर्ट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर में है, हालांकि बिल्ड पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से ये फोन बहुत ही कमाल का है. उसके बाद दोस्तों 18,000 रुपए में आता है रियलमी का नार्जो 30 Pro 5G. अब मेरा इस फोन को एड करने का रीजन ये था कि आपको इसमें 8GB की रैम मिलती है 18,000 में और 128GB आपको स्टोरेज मिलती है. मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U आपको 5G चिपसेट मिलती है. ये चिपसेट बहुत अच्छी है, हमने इसको टेस्ट किया है, गेम्स वगैरह सब कुछ बढ़िया चलता है. साथ ही साथ UFS 2.1 स्टोरेज है, LPDDR4X रैम सपोर्ट है, और डे टू डे लाइफ में आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, और रियलमी UI चलता है तो ये बेटर है दोस्तों, इतना भी बुरा नहीं है. और इसमें कैमरा ठीक ठाक है, 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, और साथ में आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस है, 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, 5000mAh की बैटरी और 30W आपको चार्जिंग मिलती है. ऑलराउंडर फोन है, फॉर्म फैक्टर इसका बहुत अच्छा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है. तो मेरे ख्याल से 18,000 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है. लेकिन अगर आपको आईपीएस डिस्प्ले नहीं चाहिए तो आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं, रियलमी X7. हाँ, 19,000 का है, 6128, उसमें एमोलेड डिस्प्ले, चार्जिंग और भी वहां पर ज्यादा फास्ट है, 50W है, और कैमरा थोड़ा और भी ज्यादा बेटर है. तो यहां पर एक ऑप्शन दे दिया हूं एमोलेड डिस्प्ले वाला, अगर आप चाहो तो रियलमी X7 को भी यहां पर चूज कर सकते हैं. 18,000 में एक और कमाल का स्मार्टफोन है. ये जो सीरीज है, इन्होंने इंडिया के अंदर लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया है, इसका मतलब लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है. मैं बात कर रहा हूं Redmi Note 10 Pro की. 18,000 में 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, बड़ी डिस्प्ले है, हाईर रिफ्रेश रेट 120Hz, लेकिन ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है. जी हाँ, साथ में आपको पीछे 64 मेगापिक्सल कैमरा है, 16 मेगापिक्सल आपको सेल्फी है. सॉफ्टवेयर ठीक है, MIUI चलता है, लेकिन मैं इतना बड़ा फैन नहीं उसका, लेकिन ओवरऑल वहां पर थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. UFS 2.2 स्टोरेज, LPDDR4X रैम सपोर्ट है, ये भी अच्छा है. साथ में आपको 5020mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग है, बॉक्स में चार्जर भी मिलता है, तो बैटरी चार्जिंग दोनों अच्छी है. स्नैपड्रैगन 732G आपको चिपसेट मिलती है. गेमिंग के लिए ओवरऑल ये चिपसेट बहुत ही कमाल की है, और उसी के साथ साथ बिल्ड भी इसकी प्रीमियम है, ग्लास बैक वगैरह है, फिंगरप्रिंट स्कैनर और फॉर्म फैक्टर भी इसका यहां पर ठीक है. तो अगर आप देखोगे दोस्तों प्राइस और अगर फीचर्स मैच करते हो तो बहुत ही कमाल का फोन है, जो आप 18,000 में इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं. उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेमिंग एंड्रॉइड स्मार्टफोन. मैंने इसको ये टैगलाइन इसलिए दिया हूं क्योंकि आज भी अगर आपकी बजट 15 से 20 के बीच में और आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, इससे आप नजर नहीं हटा सकते. पोको X3 प्रो, 6GB रैम, 120GB स्टोरेज, 19,000 रुपए का है, स्नैपड्रैगन 860 फ्लैगशिप चिपसेट है, और यहां पर जो परफॉर्मेंस आपको गेमिंग में मिलेगी, हाईएस्ट सेटिंग पर आप यहां पर खेल सकते हैं. साथ ही साथ आपको UFS 3.1 स्टोरेज है, ये भी फ्लैगशिप फोन्स में आती है, और LPDDR4X रैम सपोर्ट है, हालांकि इसमें भी MIUI चलता है, पोको लॉन्चर चढ़ा है तो वहां पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है. साथ में 5160mAh की बैटरी है, 33W चार्जर भी आपको बॉक्स में मिल जाता है, बड़ी डिस्प्ले है, साथ में हाईर रिफ्रेश रेट है, आईपीएस वाली है, 120Hz वाली. कैमरा भी अच्छा है, नॉट बैड, हमने टेस्ट किया था, 48MP रियर कैमरा है और 20MP सेल्फी है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह मिल जाता है. तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं.
और फाइनल जो फोन है, हालांकि यहां पर टाई हो गया है, मैं आपको दो फोन यहां पर बताऊंगा आपकी चॉइस के हिसाब से। पहला फोन है आईको Z3 5G, इसमें है स्नैपड्रैगन 768G। ये इंडिया का पहला फोन है जो इस चिपसेट के साथ आया है। ये स्नैपड्रैगन 765G का सक्सेसर है और ये चिपसेट बहुत अच्छी है, गेमिंग आपकी अच्छी होगी, साथ में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी वगैरह उन्होंने दिया है। बड़ी डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले, फुल HD प्लस वाली, साथ में 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है। कैमरा भी अच्छा है, रियर में 64 मेगापिक्सल कैमरा है, सेल्फी आपको 16 मेगापिक्सल की मिलती है और उसी के साथ साथ 4400 mAh की बैटरी है और 55 वाट चार्जिंग है, 55 वाट एडाप्टर बॉक्स में आपको मिल जाता है। सॉफ्टवेयर अच्छा है, फ्रंट टच OS पर चलता है, ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। UFS 2.2 स्टोरेज है, LPDDR4X आपको रैम सपोर्ट मिलता है और साथ में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है और बिल्ड ठीक है और फॉर्म फैक्टर भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो 20,000 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है, 6GB रैम 120GB के साथ में। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको कोई चाइनीज फोन नहीं चाहिए, तो यहां पर सैमसंग गैलेक्सी M51 आता है। फिलहाल के लिए ये फोन अभी आपको 20,000 में मिलेगा, 6GB रैम 120GB स्टोरेज, बड़ी डिस्प्ले है 6.7 इंच की और ये एक AMOLED डिस्प्ले है, फुल HD प्लस वाली, जी हाँ। 7000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, 25 वाट आपको चार्जर भी बॉक्स में दिया है, साथ ही साथ रियर में 64 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें आपको ये सोनी सेंसर के साथ आता है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, इसमें भी सोनी सेंसर है। उसके अलावा स्नैपड्रैगन 730G वाली आपको चिपसेट मिलती है, तो परफॉर्मेंस भी यहां पर काफी अच्छी है और सैमसंग वन UI वगैरह चलता है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपका यहां पर अच्छा हो जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह, ओवरऑल जो है ये फोन मेरे ख्याल से 20,000 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ऑनरेबल मेंशंस की बात करूं तो मैं ये स्मार्टफोन ऐड करना चाहता हूं क्योंकि ये सिर्फ अप्रिशिएशन के लिए, क्योंकि इन्फिनिक्स ने बहुत अच्छा काम किया है। 17,000 में उन्होंने इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो लॉन्च किया था जिसमें आपको 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज है, ज्यादा रैम और एकदम ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फोन भी अच्छा है, ओवरऑल डिस्प्ले बढ़िया है, आपको हाई रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले मिलती है 90 हर्ट्ज से, 5000 mAh बैटरी है, 33 वॉट चार्जिंग है, सॉफ्टवेयर ठीक है लेकिन साथ में UFS 2.1 स्टोरेज है, LPDDR4X आपको रैम सपोर्ट मिलता है, रियर में 64 मेगापिक्सल कैमरा है, सेल्फी 16 मेगापिक्सल की है और इसमें आपको हीलियो G95 चिपसेट मिलती है। तो देखा जाए तो ओवरऑल इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो अगर आपको एकदम ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो ये भी एक ऑप्शन है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो 15,000 से 20,000 की रेंज में तो पूरा बाढ़ आ गया था, लेकिन फिर भी उनमें से मैंने 5 फोन्स आपको बताया, कुछ ऑप्शंस भी एक्स्ट्रा दिए, तो आप उनको जाके चेकआउट करिए, मेरे ख्याल से अब आपकी कंफ्यूजन थोड़ी यहां पर दूर हो गई होगी। ऐसे ही दोस्तों हर महीने आऊंगा, अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।